हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मेरे पास गाइस तीन डिवाइस है और तीनों में आपको बताने वाला हूँ कौन कौन सी आपको सेटिंग्स मिलती है BGMI में और कौन सा डिवाइस आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा अगर आप लोग जायरोस्कोप प्लेयर हो। तो गाइस पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये है गाइस Realme C33, तो आप लोग देख ही रहे हो। और ये वाला है गाइस Realme C53, ये बैक से मैंने आपको दिखा दिया। और ये वाला है गाइस Realme C35। तो सारे Realme के डिवाइस हैं। सबसे पहले गाइस देखेंगे किस में पहले BGMI स्टार्ट होता है, तो इनको मैं हटा देता हूँ एक बार। तो गाइस BGMI स्टार्ट करते हैं, और ये मैंने दोनों पे क्लिक कर दिया है, टाइमर स्टार्ट कर दिया और यहाँ मैंने BGMI स्टार्ट कर दिया। इसे मैंने 2-3 सेकंड में लेट स्टार्ट किया है, तो वो हम मैनेज कर लेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा डिवाइस पहले स्टार्ट होने वाला है। मेरा जो वोट जाता है वो Realme C53 को जाता है। बाकी आप लोग भी कमेंट कर ही देना यार एक ने एक, तो बाकी लाइक भी ठोक देना। और BGMI की वीडियोस देखनी है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो देखते गए किस में पहले स्टार्ट होता है। 28 सेकेंड तो गाइस हर डिवाइस लेने वाला है जो मेरे को लगता है, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले गाइस इसमें स्टार्ट हुआ है 29 सेकेंड में, इसके बाद इसमें स्टार्ट हुआ है, फिर इसमें स्टार्ट हुआ है। तो ये Realme C53 था, ये Realme C35 था और ये Realme C33 था। ये वाला गाइस Realme C33 है। तो गाइस ग्राफिक सेटिंग देखो कौन कौन सी अवेलेबल मिलती है आपको। ये मैंने स्मूथ कर दिया तो हाई का ऑप्शन आ रहा है, मतलब कि ये वाला डिवाइस जो है 30 FPS सपोर्ट करता है। तो अगर आपको 30 FPS पे खेलना है तो आप ये वाला डिवाइस ले लेना, मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये वाला गाइस Realme C53 है और इसमें गाइस अल्ट्रा का ऑप्शन दे रखा है, मतलब कि ये वाला डिवाइस जो 40 FPS सपोर्ट करता है। और ये है गाइस Realme C35, इसकी भी ग्राफिक सेटिंग देखते हैं कौन कौन सी हमें अवेलेबल मिलती है। तो ये मैं ग्राफिक्स पे चला गया और यहाँ पे गाइस हाई तक का ऑप्शन आ रहा है, मतलब ये डिवाइस भी सिर्फ 30 FPS सपोर्ट करता है, ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है। Realme C35 है, मैंने जायरोस्कोप को ऑलवेज ऑन कर दिया है। तो चेक करते हैं जायरोस्कोप कैसा वर्क करता है, जायरो वाले बंदे खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, उसके लिए हम ट्रेनिंग ग्राउंड में चलते हैं। तो मैंने गाइस वॉल्यूम फुल कर दिया, आप लोग साउंड क्वालिटी भी चेक करना कैसी है इसकी, कुछ टाइप तो सही आ रहे हैं। बाकी मैं गन उठाता हूँ फिर स्प्रे करने का ट्राई करता हूँ। तो गाइस मैं स्प्रे करने का ट्राई करता हूँ, बाकी स्प्रे इतना अच्छा नहीं होगा, इतना अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये आप फिर स्प्रे कर लोगे लेकिन इतना अच्छा नहीं होगा जितना होना चाहिए। ठीक है गाइस, मतलब जिस हिसाब से प्राइस है उस हिसाब से परफॉर्मेंस भी दे रहा है ये। तो गाइस अब इसका टेस्ट करते हैं जायरो और साउंड क्वालिटी। वॉल्यूम फुल कर रहा हूँ तो साउंड क्वालिटी ठीक है इसकी, बाकी जायरो का ना ज़्यादा उससे ज़्यादा बेकार वर्क करता है, मतलब मैं देखो कितना ज़्यादा नाच रहा है जायरोस्कोप। तो गाइस हल्का फुल्का जायरो आप कर लोगे, बंदे बंदे मार लोगे। तो गाइस आप बात करते हैं Realme C33 की, बाकी यहाँ पे मैं सेटिंग्स में गया जायरोस्कोप को ऑलवेज ऑन करने के लिए। तो यहाँ पर गाइस ये लिखा आया था करंट डिवाइस डज नॉट सपोर्ट दिस फंक्शन, तो उसमें गाइस जायरोस्कोप जो सपोर्ट ही नहीं करता है। तो आप लोग गाइस इस पे जो करने वाले हो ड्रैग करके करने वाले हो, और मैं एक जायरो प्लेयर हूँ तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है ऐसे खेलना। बाकी मैं वॉल्यूम आपको दिखा देता हूँ कैसी है इसकी साउंड क्वालिटी। देखो गाइस साउंड तो मेरे ख्याल से सही आ रही है, बाकी जायरो में इसमें है नहीं तो मैं स्प्रे नहीं कर पाऊँगा। तो आपको ऐसे ड्रैग करके खेलना होगा। तो गाइस अब बात करते हैं कि आपको इनमें से कौन सा डिवाइस लेना चाहिए। गाइस जायरोस्कोप जो है ना किसी में भी मतलब अच्छा वर्क नहीं करता है, जैसा मतलब 20-25 हज़ार वाले फ़ोन में करता है वैसा तो किसी में भी वर्क नहीं करता है। बाकी आप लोग इनसे स्प्रे तो कर लोगे, बंदे को नॉक भी कर दोगे, फिनिश भी कर दोगे, इतना तो आप कर लोगे, बाकी ड्रैग वाले तो ईजिली खेल ही लेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा अगर आपको इनमें से एक डिवाइस लेना है तो आप लोग इस वाले डिवाइस ले आना Realme C53 के लिए, मेरे को थोड़ा डिवाइस ये वाला सही लगा। बाकी गाइस आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग कौन से डिवाइस का वेट कर रहे हो और कौन सा डिवाइस लेने वाले हो। आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, ले जय हिंद, वंदे मातरम।